पब्लिक टीवी आपकी आवाज। शहर में बढ़ते साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से शनिवार को पीएमएस स्कूल में साइबर मैन मनीष गोयल ने छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम से बचने के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, जैसे किसी भी व्यक्ति को व्हाट्सएप में मैसेज आया है कि 1 रुपए में एक पेन ड्राइव है, लेकिन उसमें नियम और शर्तें लागू हैं। वो मैसेज 10 लोगों को फॉरवर्ड करना होता है। हम बिना कुछ सोचे समझे उन 10 लोगों को वो मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं, जिससे उन 10 लोगों का भी डाटा उन साइबर क्राइम करने वालों के हत्थे चढ़ जाता है और वो साइबर क्राइम वाले उन 10 लोगों के बैंक खाते से पैसे उड़ा लेते हैं। इसीलिए हमें बिना कुछ जाने किसी को भी कोई भी ऐसा मैसेज नहीं भेजना चाहिए। इस प्रकार से सभी बच्चों को साइबर क्राइम करने वाले लोगों से बचाया जा सकता है। इसी के साथ ही विभिन्न जानकारियां दी गई जो साइबर क्राइम से बचने में काम आती हैं। कभी भी कार्ड की जरूरत नहीं है, केवल टिकट की। वो सारी चीजें आ गई उनके पास। अभी एसबीआई की मीटिंग हुई थी लगभग 1.5 साल पहले। मैंने एसबीआई के चीफ एडवाइजर बॉम्बे से मैंने उनको बोला था कि सर कार्ड की आप हमें डिवाइसेस बताते हो, आप हमें मैसेज देते ये बताते हो कि किसी को ना बताएं डिटेल। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, जब हर एटीएम में कार्ड होता है उसकी मौजूदगी में वो डिवाइसेस लग कैसे जाती हैं? टाइम तो लगता होगा लगाने में। बोले नहीं, जहां कार्ड नहीं होते ना वहां होती है। मैंने कहा सर अगर आपके पास अगर ऐसी कंडीशन हो, मैं कुछ चीजों में आपको ऐसा भी बताऊंगा कि अगर ये चीजें आपके साथ हो रही है तो ऐसा भी नहीं है कि आप उसको वापस ना करो या चुप रहो, लेकिन उससे बचने का क्या तरीका हो सकता है? अगर आपके खाते में कभी पैसा आ रहा है तो वो आपसे कह रहा है कि मुझे डिटेल दो, उससे वो डिटेल नहीं दूंगा तो अपना पेटीएम नंबर मेरे वापस समय लग रही है। लेकिन अकाउंट की डिटेल किसी को भी किसी भी तरीके से नहीं।